नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, आज की इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे कक्षा 6 का भूगोल का पहला अध्याय, सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए आपने अक्सर सूर्यास्त के बाद आकाश में एक या दो चमकते बिंदु देखे होंगे। कितना अच्छा लगता है उन्हें देखना, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले से चमकीले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़ दिए गए हों, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाते हैं, काफी टिमटिमाते नहीं हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हो। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। आप जान के हैरान होंगे, परंतु सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। जैसे कि शब्द से ही पता चलता है, सात तारों का समूह। सप्तऋषि में एक सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा ध्रुव तारा होता है, जो कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये उर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। यह संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह भी हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आप
अपनी स्क्रीन पर सूर्य और उसके आठों ग्रह देख सकते हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में लगाता है। बुध के बाद हम चलते हैं शुक्र पर। सूर्य के चारों ओर यह अपना परिक्रमण 255 दिनों में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। शुक्र से चलते हैं सबकी प्यारी पृथ्वी पर। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिनों में पूरा करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में। पृथ्वी के बाद हम चलते हैं मंगल पर। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिनों में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में। यहां पर चंद्रमा की संख्या 2 है। मंगल के बाद आता है सबसे बड़ा ग्रह जो कि है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 सालों में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट में लगाता है। बृहस्पति के बाद आता है शनि। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में। शनि के पास सबसे अत्यधिक शनि के पास कुल गौर करें तो सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह शनि ही है। शनि के बाद आता है यूरेनस। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे और 14 मिनट में। यूरेनस के पास चंद्रमा की संख्या। अब आता है सौरमंडल का आखिरी ग्रह नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यह 164 सालों में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे में। नेपच्यून में कुल सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इस सब को हम सौर्य परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है।
क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक ग्रहों की सूची में प्लूटो को भी डाला जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन की सभी अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। वायु में जीवन के लिए गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। पृथ्वी ना अधिक गर्म है ना ठंडी। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका दो तिहाई भाग पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा यह अधिक नजदीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी कभी देखी है? एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हम अभी तक क्या सीखे। अगर हमें ये जानना हो कि ग्रह और तारे के बीच क्या अंतर है, तो हम क्या कहेंगे? ग्रह। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, वहीं तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। ग्रह तारे से छोटा होता है, तारा ग्रह से काफी बड़ा होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य, आठ ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है, और इसे हम सौर्य परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। चलिए अब आप सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी से आता है अगला मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है यूरेनस, और फिर आखिरी आता है नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस ओजोन परत पाई जाती है। अगला सवाल, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी दूरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। चलिए बताइए, अब ब्रह्मांड क्या होता है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चलिए अब छोटा सा क्विज खेलेंगे, आपको सही उत्तर बताना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि या शुक्र? बिल्कुल सही जवाब, शुक्र है कि ये शुक्र है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी या बुध? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह हमारी प्यारी पृथ्वी है। बिल्कुल सही, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या फिर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर? सही जवाब, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर या पूर्व? ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। बहुत अच्छे। शुक्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति या पृथ्वी एवं मंगल? शुक्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सही जवाब। चलिए अब चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं।
तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब डैश है। पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह डैश है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश नहीं होता। तो कैसा लगा आसमां के आगे का वो जहां? तारे हैं, नक्षत्र मंडल हैं, ग्रह हैं और बहुत कुछ है वहां। आशा करती हूं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए। इस वीडियो के अंत में एक गाना है, वो गाना ध्यान से सुनिए और साथ में गुनगुनाइए। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखो इन्हें, जानो इन्हें, ये सब हैं सूर्य के परिवार से। आकाश गंगा है मिल्की वे, यहाँ सब मिलकर साथ रहें। ये सब हैं सूर्य के परिवार से। ग्रहों में कुल आठ हैं ये, कुछ हैं बड़े और कुछ छोटे। आठों में जो है सबकी प्रिय, जीवन देने का जिसे मिलता है श्रेय। इससे हम प्यार से पृथ्वी कहें। ये सब है सूर्य के परिवार से। सौर्य मंडल में अब जो है बचे, उल्का पिंड और शुद्र ग्रह हम उनको कहें। चंदा मामा भी तो हमें यहाँ ही मिले। ये सब है सूर्य के परिवार से। देखो इन्हें, जानो इन्हें, ये सब है सूर्य के परिवार से। सूर्य के परिवार से, सूर्य के परिवार से।